हेलो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम हमने यहां पर क्या दिया है गेम थ्योरी ये टॉपिक ये चैप्टर इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2022 में न्यू ऐड किया है तो आपके लिए नया चैप्टर है ध्यान से समझना आपके लिए भी और सिलेबस के लिए भी जो भी 2022 में न्यू स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं उनको यह पहली बार यह कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है सीएमए फाइनल एस सिलेबस के अंदर गेम थ्योरी देखिए गेम थ्योरी क्या है जहां पर कॉम्पिटिटर्स जहां पर कॉम्पिटिटर्स आपस में कॉम्पीट करते हैं यानी आप देखते हैं जैसे कोई गेम खेला जाता है तो उसमें भी तो प्लेयर्स आपस में कॉम्पीट करते हैं इसी तरह यहां पर हम कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहे हैं जहां पर कॉम्पिटिटर कॉम्पीट करते हैं आपस में और एक दूसरे की स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं यानी एक कॉम्पिटिटर क्या चाहता है कि वो दूसरे कॉम्पिटिटर की अपने सामने वाले प्लेयर की स्ट्रेटजी को समझे और उस को पहले से समझ के अपना नेक्स्ट स्टेप अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनाए यानी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते ध्यान में रखते हुए हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकल सकते हैं उस थ्योरी की बात हम यहां पर करने वाले हैं जिसे हमने नाम दिया है गेम थ्योरी ठीक है चलो लिखते चलते हैं साथ में और डिस्कस करते रहेंगे समझते रहेंगे लिखना स्टार्ट करें मेरे साथ ये लीजिए सबसे पहले हम हेडिंग यही देते हैं गेम थ्योरी Game theory is a type of decision making. Game theory is a type of decision making when two or more competitors are involved. अंडर दंडीशन ऑफ कंपिटिशन क्या लिखा हमने गेम थ्योरी इज ए टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग वेन टू और मोर कॉम्पिटिटर्स आर इन्वॉल्व अंडर द कंडीशन ऑफ कंपिटिशन एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की कोशिश करता है आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं जैसे हम बात करें कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेते हैं चलो एक पेप्सी और एक कोका कोला पेप्सी और कोका कोला एक दोनों ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा ये कैसे कॉम्पिट करते हैं एक प्रोडक्ट अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है आप सोचो एक प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ेगा दूसरे प्रोडक्ट का मार्केट शेयर गिरेगा तो ये एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं ये हमने लगाई है फर्स्ट बुलेट गेम थ्योरी का यूज किस लिए किया जाता है लिखते हैं जरा गेम थ्योरी इज यूज गेम थ्योरी इज यूज्ड Understand the strategy to understand the strategy of. कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स सो दैट वी कैन गेट अ हेड ऑफ दैम गेम थ्योरी यूज की जाती है कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स की स्ट्रेटजी को समझने के लिए जिससे कि हम उनसे आगे निकल सकें आगे बढ़ सके ठीक है आगे देखें आगे लिखें हेडिंग देना फिर से जीरो सम गेम जीरो सम गेम लिखना स्टार्ट करें व्हेन गेन ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द अदर प्लेयर कॉमा देन इट इज कॉल्ड जीरो सम गेम अगर गेम में एक प्लेयर का गेम दूसरे प्लेयर के लॉस के इक्वल है तो उस गेम को हम नाम देंगे जीरो सम गेम आप मान लीजिए मार्केट में सिर्फ दो ही कॉम्पिटिटर हैं और कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है अच्छा उन दोनों कॉम्पिटिटर का अपना अपना एक मार्केट शेयर है अब आप सीधी सी बात है वो दोनों कॉम्पिटिटर अपनी अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक कॉम्पिटिटर का एक प्लेयर का मार्केट शेयर जितना बढ़ेगा दूसरे कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर उतना ही कम हो जाएगा तो हम इस गेम को नाम देंगे जीरोसम गेम आगे देखें नॉन जीरोसम गेम नॉन जीरोसम गेम when gain of one player is not equal to the loss of the Other player coma then it is called non zero sum game. सर नॉन जीरो सम गेम कैसा हो सकता है जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया कि दो ही कॉम्पिटिटर है मार्केट मार्केट में में सोचो जरा में दो से ज्यादा कॉम्पिटिटर हैं लेकिन हम बात सिर्फ दो ही कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हैं हम गेम में सिर्फ दो ही कॉम्पिटिटर दो ही प्लेयर्स को लेकर चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एक प्लेयर का मार्केट शेयर जितना इंक्रीज होगा दूसरे प्लेयर का मार्केट शेयर उतना ही डिक्रीज होगा तो जहां पर एक प्लेयर का गेम दूसरे प्लेयर के लॉस के इक्वल नहीं होगा उस गेम को हम नाम देंगे क्या नॉन जीरो सम गेम क्लियर है ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं आगे हेडिंग देंगे आगे हेडिंग दीजिए स्ट्रेटजी बस इस चैप्टर में स्ट्रेटजी की ही तो बात करनी है हमें लिखिए स्ट्रेटजी इज ए प्री डिटर्मिन रूल बाय विच ए प्लेयर decides the course of action from his own list of course of action full stop देखिए स्ट्रेटजी क्या है आप रूल्स हैं कुछ एक प्लेयर की बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको दे रखी हैं यानी एक लिस्ट स्ट्रेटजी की दे रखी है उसमें से एक स्ट्रेटजी प्लेयर डिसाइड करता है फुल स्टॉप आगे लिखें देर आर ये सारी चीजें समझेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आएंगे अभी आप लिखते जाइए क्योंकि ये लिखवाना इसलिए जरूरी है अगर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनवाने लग जाऊं तो क्वेश्चन तो बन जाएगा आपको समझ में भी आ जाएगा लेकिन जब आज से तीन महीने चार महीने पांच महीने बाद या आप एग्जाम देने से पहले जब उन्हें रिकॉल करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो ये जो हम नोटिंग कर रहे हैं ये नोट जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें ईजिली रिकॉल हो जाएंगी लिखें देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज प्योर स्ट्रेटेजी एंड मिक्सड स्ट्रेटेजी दो तरह की स्ट्रेटेजीज हैं हमारी यहां पर एक को हम नाम देते हैं प्योर स्ट्रेटजी और एक को हम नाम देते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी चलिए इन स्ट्रेटजीज की बात करते हैं दीजिए हेडिंग प्योर स्ट्रेटजी click if a player knows exactly what the other player is going to do comma a deterministic situation is obtained agar ek player एग्जेक्टली exactly जानता है कि उसका कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटजी यूज करने वाला है ध्यान से सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं अगर एक प्लेयर एग्जैक्टली exactly जानता है कि उसका कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है तो वो जो स्ट्रेटजी यूज करेगा उसे हम नाम देंगे प्योर स्ट्रेटजी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी लिखें, लिखिए प्योर स्ट्रेटजी is a decision in advance your strategy is a decision in advance to choose a particular particular course of एक्शन ध्यान से समझ आ रही है मेरी बात प्योर स्ट्रेटजी हम कब कहेंगे जब एक कॉम्पिटिटर को पता है कि उसका जो अगेंस्ट वाला प्लेयर है उसका जो कॉम्पिटिटर है वो एग्जैक्टली exactly क्या काम करने वाला है क्या स्ट्रेटजी चूज करने वाला है तो उस केस में हमें कौन सी स्ट्रेटजी लेनी है तो प्री डिटर्मिंड है एडवांस में हमें पता है कि हम ये वाली स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो हमने यहां पर ही लिखा प्योर स्ट्रेटजी इज ए डिसीजन इन एडवांस टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आगे लिखें मिक्स्ड स्ट्रेटजी मिक्स्ड स्ट्रेटजी ये जितनी टर्म्स अभी आपको पढ़कर और लिखकर हो सकता है टफ लग रही होंगी उतनी ही इजी हो जाएंगी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे लिखें इफ ए प्लेयर इज गैसिंग एज टू विच एक्टिविटी Is to be selected by the other player. If a player is guessing as to which activity is to be selected by the other player, comma. Probabilistic situation is obtained. Full stop Mixed strategy is a सेलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजीज विद ए फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी देखिए प्योर स्ट्रेटजी में हमने लिखा एक प्लेयर को एग्जैक्टली exactly पता है कि उसका अपोजिट प्लेयर क्या करने वाला है तो तब जो स्ट्रेटजी यूज की जाएगी वो प्योर स्ट्रेटजी होगी हमें पहले से पता है कि अगर हमारा प्लेयर ये करेगा तो हम ये करेंगे मिक्स स्ट्रेटजी क्या क्या है हमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं नहीं पता exactly नहीं पता यानी एक प्लेयर प्लेयर को कि क्या करेगा तो अपोनेंट प्लेयर अब ये प्लेयर गैस कर रहा है कि वो प्लेयर ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है तो उस केस में हम जो स्ट्रेटजी वो प्लेयर यूज करेगा उसे हम नाम देंगे मिक्स स्ट्रेटजी ध्यान रहेगी बात तो ध्यान रखिएगा प्योर स्ट्रेटजी गेम भी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे और मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम भी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे सोल्व कैसे करना है वो बहुत आसान है बस आपने जो नोटिंग कर रहे हैं वो साथ साथ में नोटिंग करते रहना है और कॉन्सेप्ट को समझते रहना है ये बात ठीक है चलिए यहां पर हमने इसलिए लिखा मिक्स्ड स्ट्रेटजी फिर से पढ़ लो इफ ए प्लेयर इज गैसिंग एज टू विच एक्टिविटी इज टू बी सिलेक्टेड बाय द अदर प्लेयर अगर एक प्लेयर गैस कर रहा है कि सामने वाला प्लेयर कौन सी स्ट्रेटजी कौन सी एक्टिविटी को यूज करने वाला है ए प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन इज ऑपटेंड तो यहां पर एक प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट होती है और यही हमने आगे लिखा भी मिक्सड स्ट्रेटजी इज ए सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजीज विद ए फिक्सड प्रोबेबिलिटी यानी यहां पर सिलेक्शन कुछ एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा फिक्स्ड प्रोबेबिलिटीज को लेते हुए अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है ये प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी वो सब चीजें हम अभी आगे सीखने वाले हैं बढ़े आगे यहां तक नोट कर लिया आपने चलिए हेडिंग दीजिएगा सॉल्यूशन ऑफ प्योर स्ट्रेटजी गेम ब्रैकेट में लिख देना सेडल पॉइंट प्योर स्ट्रेटजी गेम को सोल्व कैसे किया जाता है उसकी बात हम यहां कर रहे हैं सेडल पॉइंट क्या है वो भी आपको जब हम सॉल्यूशन पर बात करेंगे तो आपको बात समझ आएगी लिखना स्टार्ट करें फर्स्ट बुलेट लगाए प्योर स्ट्रेटजी गेम्स आर सोल्ड यूजिंग मैक्सिमिन मिनिमैक्स क्राइटेरिया ध्यान से प्योर स्ट्रेटजी गेम्स आर सोल्ड यूजिंग मैक्सिमिन मिनिमैक्स क्राइटेरिया वर्ड्स ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है हमने मैक्सिमिन मिनिमैक्स यहां पर मैक्सिमिन मिनिमैक्स क्राइटेरिया सेकेंड बुलेट लगाए मैक्सिमम वैल्यू ये मैक्सिम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ध्यान से आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू इन each row of the matrix identify minimum value in each row of the matrix full stop maximum value is the maximum ऑफ these मिनिमम वैल्यूज ध्यान से समझ रहे हैं मैंने क्या कहा हर रो में मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई कर लीजिए आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू इन ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स और फिर ये जो सारी मिनिमम वैल्यूज निकाली है हमने हर रोज से इन मिनिमम वैल्यूज में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस वैल्यू को हम नाम देंगे मैक्सिम वैल्यू क्या नाम देंगे मैक्सिम वैल्यू यानी मैक्सिमम फ्रॉम द मिनिमम वैल्यूज चलो नेक्स्ट आगे लिखें मिनिमैक्स वैल्यू मिनिमैक्स वैल्यू लिखें आइडेंटिफाई मैक्सिमम वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स मैक्सिमम वैल्यू हर कॉलम में आइडेंटिफाई करेंगे फुल स्टॉप मिनिमैक्स वैल्यू इज मिनिमम ऑफ दीज मैक्सिमम वैल्यूज मिनिमम वैल्यू मिनिमैक्स वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ दीज मैक्सिमम वैल्यूज आप ध्यान दे रहे हैं क्या लिख रहे हैं मिनिमम ऑफ दीज मैक्सिमम मैक्सिमम का मिनिमम निकालना है हमें तो मैक्सिमम का मिनिमम इसीलिए हमने इसे नाम दिया है मिनिमैक्स ऊपर हमने लिखा था मैक्सिमिन वैल्यू देखो यहां पर मैक्सिमिन वैल्यू इज द मैक्सिमम ऑफ दीज मिनिमम वैल्यूज मिनिमम वैल्यूज में से मैक्सिमम क्या है उसे हम मैक्सिम वैल्यू कहेंगे ठीक है आगे देखें लिखें सेडल पॉइंट जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा था सेडल पॉइंट इज सेड To exist when maximum value saddle point is said to exist when maximum value is equal to the मिनिमैक्स वैल्यू सेडल पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट करेगा जब मैक्सिम वैल्यू मिनिमैक्स वैल्यू के इक्वल होगी और जब ये इक्वल हो जाएगी तो हमारी ये प्रॉब्लम हमारा प्योर स्ट्रेटजी गेम सोल्व हो जाएगा हम एग्जाम्पल से इस बात को चलो समझते हैं ये जो भी हमने नोटिंग की है सॉल्यूशन ऑफ प्योर स्ट्रेटजी गेम इस पर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ध्यान देना जरा ध्यान से समझना जरा ये देखिए एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया गया होगा मैं पहले उसकी बात करूंगा ये देखिए सोल्व द गेम और गेम कैसे दे रखा होगा एक मैट्रिक्स दे रखी होगी आपको इस तरह से जैसे सेवन फोर सिक्स फाइव आपको कहा गया सोल्व द गेम मैट्रिक्स आपको इस तरह से दे रखी है हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे वो समझो और बहुत ध्यान से सॉल्यूशन ध्यान से सुनना देखिए ये जो है ये होती है स्ट्रेटजीज जैसे मैं लिख के दिखाता हूं सेवन सिक्स फोर फाइव ये स्ट्रेटजीज हैं फॉर एग्जाम्पल हम इसे कहेंगे ये ए वन स्ट्रेटजी है ये ए टू स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी किसकी है ये स्ट्रेटजी है प्लेयर की इधर है ये प्लेयर ए सेम इसी तरह ये बी वन स्ट्रेटजी है बी टू स्ट्रेटजी है किस प्लेयर की स्ट्रेटजी है यह स्ट्रेटजी है प्लेयर बी की प्लेयर बी ध्यान से सुनते रहना ध्यान से सुनते रहना ये रो वाइज जो स्ट्रेटजी दे रखी है यह स्ट्रेटजी ए की स्ट्रेटजी है यह ए वन स्ट्रेटजी है यह ए टू स्ट्रेटजी है कॉलम वाइज जो स्ट्रेटजी दे रखी है यह प्लेयर बी की स्ट्रेटजी है ये बी वन स्ट्रेटजी है और ये बी टू स्ट्रेटजी है यहां तक बात ध्यान रहेगी अच्छा और समझने वाली बात ये जो प्लेयर ए है इस प्लेयर को नाम देंगे मैक्सिमाइज प्लेयर मैक्सिमाइज प्लेयर से मतलब ये प्लेयर अपना गेन मैक्सिमम करना चाहता है ये प्लेयर अपना गेन मैक्सिमम करना चाहता है तो सर प्लेयर बी क्या अपना गेन मिनिमम करना चाहता है इस बी को हम नाम देंगे मिनिमाइज प्लेयर मतलब सर ये अपना गेन मिनिमाइज करेगा बच्चे ये इसका गेन नहीं होगा फिर सर ये क्या होगा ये इसका लॉस होगा हमने क्या कहा एक प्लेयर का गेन दूसरे प्लेयर का लॉस अब एक प्लेयर अगर ए प्लेयर ए मैं इसे मैक्सिमाइज प्लेयर कह रहा हूं तो ये अपना गेन मैक्सिमम करना चाह रहा है प्लेयर बी मिनिमाइज प्लेयर कह रहे हैं यानी अपना लॉस मिनिमाइज करना चाह रहा है यह हमेशा के लिए ध्यान रखना जो आपको रो वाइज स्ट्रेटजी दी होंगी जैसे कि मैंने यहां पर रो वाइज दी है ए वन ए टू यह हमेशा मैक्सिमाइज प्लेयर की होंगी और जो कॉलम वाइज स्ट्रेटजी दी होंगी जैसे यहां पर दी है बी वन बी टू यह हमेशा मिनिमाइजेशन प्लेयर की स्ट्रेटजी होंगी ध्यान रहेगी बात यानी मैक्सिमाइजेशन प्लेयर और मिनिमाइजेशन प्लेयर दो तरह के प्लेयर हो गए अच्छा अब इससे प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करेंगे जो भी स्टेप्स मैंने आपको ऊपर लिखवाए हैं वो इस क्वेश्चन वो इस एग्जाम्पल में मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा जरा ध्यान देना ए वन ए टू फिर से लिख रहा हूं मैं सेवन सिक्स फोर फाइव अब जरा पढ़ो प्योर स्ट्रेटेजी गेम्स आर सोल्ड यूजिंग मैक्सिमिन मिनिमैक्स वैल्यू क्राइटेरिया ठीक है सबसे पहले हमने लिखा मैक्सिमिन वैल्यू मैक्सिम वैल्यू कैसे निकलेगी मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू इन ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स की हर रो से मिनिमम वैल्यू निकालिए तो जरा ध्यान दो हम यहां पर लिख देंगे रो मिनिम मिनिमम तो फर्स्ट रो में ये बी वन है और ये बी टू है फर्स्ट रो में मिनिमम क्या है सर सेवन और फोर में से मिनिमम फोर है ठीक है इसी तरह सेम सेकंड रो में मिनिमम क्या है सिक्स और फाइव में से मिनिमम फाइव है मिनिमम हमने देख लिया आगे देखना क्या लिखा था फिर यहां पर पढ़ रहा हूं मैं आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू इन ईच रो ऑफ दिक्सिम ऑफ दीज मिनिमम वैल्यूज निकाली है, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है इन दोनों में से maximum है ये ये रहा, यह five. तो इस five को हम नाम देंगे maximum value. क्या नाम देंगे मैक्सिमिन वैल्यू ठीक है और देखो अब हमें निकालनी है मिनिमैक्स वैल्यू अब मिनिमैक्स वैल्यू कैसे निकलेगी पढ़ो जरा फिर से आइडेंटिफाई मैक्सिमम वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स मैक्सिमम आइडेंटिफाई करेंगे मिनिमैक्स वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ दीज मैक्सिमम वैल्यूज यहां पर बिल्कुल अपोजिट करना है अब कॉलम वाइज कंप्यूटेशन करनी है हमें तो कॉलम वाइज के लिए हम यहां पर लिखेंगे कॉलम मैक्सिमम इन कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू बताओ सर ये सेवन था ये सिक्स था इसमें मैक्सिमम आ गया सेवन फोर और फाइव में मैक्सिमम आ गया फाइव ये मैक्सिमम वैल्यूज में से अब इनमें मिनिमम क्या है सर इसमें मिनिमम है सेवन और फाइव में मिनिमम है फाइव तो ये हो गई हमारी मिनिमैक्स वैल्यू अब चेक करो ये मैक्सिमिन वैल्यू है ये मिनिमैक्स वैल्यू है क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं देखो पढ़ो जरा मैंने क्या लिखा था यहां पर सैडल पॉइंट के बारे में ये लास्ट बुलेट क्या लिखी थी सैडल पॉइंट इज सेट टू एग्जिस्ट वेन मैक्सिमिन वैल्यू इज इक्वल टू द मिनिमैक्स वैल्यू तो यहां पर हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू इज इक्वल टू फाइव क्लियर है ये बात समझ आ गई यहां पर लिखते हैं हेंस सेडल पॉइंट एग्जिस्ट एट अच्छा कहां पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है चेक करो ये भी फाइव था फाइव था फाइव कहां पर था ये रहा था यही था ना तो इसको हम क्या नाम देंगे सेल को ए टू बी टू आप समझ रहे हो ना इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहां पर है ए टू और इसके कोरिस्पॉडिंग यहां पर है बी टू तो यहां पर लिख देंगे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट एट ए टू बी टू तो अब इससे हमें क्या पता चला मेन आंसर क्या है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फोर प्लेयर ए ये कौन सी आ गई ए टू ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फोर प्लेयर बी ये आ गई बी टू स्ट्रेटजी और वैल्यू ऑफ गेम हमें गेम सोल्व करना था तो गेम की वैल्यू वैल्यू ऑफ गेम आ गई हमारी फाइव अब इस फाइव का मतलब समझ रहे हो आप इस फाइव का मतलब ये जो फाइव आया है इस फाइव का मतलब है ए टू यानी प्लेयर ए को फाइव का गेन हो गया है और प्लेयर बी को फाइव का लॉस हो गया है ध्यान रहेगी बात प्लेयर ए को फाइव का गेन हुआ है और प्लेयर बी को फाइव का लोस हुआ है यह हमने प्योर स्ट्रेटजी का सॉल्यूशन कर लिया है समझ आई आपको ये बात कैसे सोल्व किया हमने सर क्वेश्चन कैसे बनाया वो तो समझ आ गई इसमें तो कुछ भी नहीं था सिंपल सा था लेकिन ये मतलब प्लेयर ए मैक्सिमाइजेशन प्लेयर है और उसके लिए हम रोम मिनिमम ढूंढ रहे हैं ऐसा क्यों मैंने आपको क्या बताया था प्योर स्ट्रेटजी प्योर स्ट्रेटेजी कब जब ओपोनेंट प्लेयर क्या स्ट्रेटेजी लेने वाला है हमें एग्जैक्ट पता होगा सोचो जरा सोचो मेरी बात को ध्यान से सुनना देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया है कुछ आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कुछ एडिशनल चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना जैसे ही यहां पर हमने लिखा था सेवन फोर सिक्स फाइव ध्यान से सुनना जब ए मैक्सिमाइजेशन प्लेयर है ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन मैं कर चुका हूं एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूं सोल्व कैसे करना है फिर भी हम कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं समझने की कोशिश करो अगर प्लेयर ए ये ए वन ए टू है मैक्सिमाइजेशन प्लेयर है अगर प्लेयर ए और प्लेयर भी मिनिमाइजेशन प्लेयर है सोचो जरा अगर प्लेयर ए वन स्ट्रेटजी चूज करेगा वन तो बी तो मिनिमाइजेशन प्लेयर है तो बी क्या चूज करेगा फिर बी चूज करेगा बी टू को क्यों समझो जरा प्लेयर ए ए वन क्यों चूज करना चाहेगा क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा गेन है सेवन का लेकिन जैसे ही सेवन को देखते हुए एवन चूज करेगा प्लेयर बी क्या आ जाएगा प्लेयर इसके अपोजिट में बी टू को चूज करेगा क्योंकि यहां पर सेवन था यहां पर फोर है क्योंकि बी तो वो फोर को चूज करेगा यानी ए को पहले ही पता है कि अगर उसने ए वन चूज किया तो बी बी टू चूज करेगा तो वो सेवन के चक्कर में ए वन यूज करना चाहेगा लेकिन बी जो है वो बी जो है वो बी टू यूज कर लेगा तो उसे तो गेंद सिर्फ फोर का ही होगा इसी तरह सोचो अगर ए टू सिक्स को चूज करेगा सिक्स के लिए बी वन ए टू को चूज करेगा तो बी टू चूज करेगा फाइव को चूज करेगा तो यही तो हमारा ऑप्टिमल आया इसीलिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं यानी इस थ्योरी को किस तरह से डिजाइन किया गया है इस थ्योरी को डिजाइन इसी तरह से किया गया है कि जब ए जानता है पहले से ही कि उसके कोई भी स्ट्रेटजी चूज करते ही बी टू बी प्लेयर का रिएक्शन क्या होने वाला है तो वो क्या कहता है कि हम ये देख लेते हैं कि मिनिमम गेन हर रो में कितना होने वाला है तो वो मिनिमम देखता है कि सेवन फोर का मिनिमम यहां पर फोर आ गया सिक्स फाइव का यहां पर मिनिमम फाइव आ गया अब हमें कम से कम इस फाइव का तो गेन हो गई तो इसमें से फोर और फाइव में से हाइएस्ट क्या है इसको मैक्सिमम वैल्यू का नाम दिया जाता है मैक्सिमम वैल्यू आपको बात समझ आई मैंने क्या कहा अगर प्लेयर ए ए वन चूज करेगा तो ए वन चूज करेगा वो सेवन के चक्कर में लेकिन बी जो है वो बी टू चूज कर लेगा उसे फोर का ही गेन होगा ए को फिर तो यहां पर प्लेयर ए क्या करता है वो हर रो का मिनिमम आइडेंटिफाई करता है और उस मिनिमम में से मैक्सिमम क्या है उसे चूज करता है अब आप समझो ये फाइव आया अब बी जो है वो हाईएस्ट लॉस देखता है पहले यानी सेवन और सिक्स में से सबसे ज्यादा लॉस है सेवन इसमें फोर और फाइव में सबसे ज्यादा लॉस है तो इस मैक्सिमम लॉस को वो मिनिमाइज करना चाहता है तो किसे लेगा वो इस फाइव को लेगा और इसे हम इसीलिए हम यहां पर नाम देते हैं मिनिमैक्स वैल्यू आपको बात समझ आई प्लेयर ए मैक्सिमाइजेशन प्लेयर प्लेयर बी मिनिमाइजेशन प्लेयर यह चीज आप ध्यान रखोगे प्रॉब्लम आपकी इजिली सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन हमने बना लिया था अब हम अपने कॉन्सेप्ट को कुछ आगे बढ़ाते हैं ध्यान से हेडिंग देना सॉल्यूशन ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसके लिए मेथड लगाते हैं ओड मेथड ध्यान से ओ डबल डी है ये ओड मेथड देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूट कुछ फॉर्मुलेज बताता है हालांकि जब हम क्वेश्चन करना चाहें तो उन फॉर्मूलेज की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी आप क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे बस आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट कुछ फॉर्मूले बताता है लिखवाने के लिए मैं फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं ध्यान से सुनना एक एग्जाम्पल लेते हुए हम चलेंगे जैसे ये है मान लीजिए ए वन ए टू बी वन बी टू अब आपको पता है ए वन ये प्लेयर ए की स्ट्रेटजी है प्लेयर ए मैक्सिमाइजेशन प्लेयर है और B1, B2 ये प्लेयर B की स्ट्रेटजी है प्लेयर B मिनिमाइजेशन प्लेयर है यहां पर कुछ भी वैल्यूज दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यूज ले लेता हूं यहां पर X1, X2, Y1. Y2, X1, X2, Y1, Y2. सबसे पहले ओड्स कंप्यूट करो ओड्स कहा मैंने अच्छा ओड्स कैसे निकलेंगे इस मेथड के अकॉर्डिंग ओड्स हमें निकालने पड़ते हैं ओड्स यहां पर भी और यहां पर भी कैसे निकलेंगे वो जरा ध्यान देना जो A1 स्ट्रेटेजी है वहां पर ध्यान दो ये क्या है x1 वन एंड एक्स इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस हमें यहां पर लिखना है यानी यहां आ जाएगा ये, x1 वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स ठीक है ये लाइन में हटा देता हूं यानी x ए वन स्ट्रेटजी के जो एलिमेंट्स थे उनका डिफरेंस हमने ए टू स्ट्रेटजी के सामने ओड्स के नाम से लिखा अब इन दोनों का डिफरेंस ए टू स्ट्रेटजी के जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों का डिफरेंस यहां पर लिखेंगे यानी वाई वन माइनस वाई टू ये ओड्स हैं ठीक है थीके? इसी तरह कोलम वाइज निकालो इन्हें यानी एक्स वन और वाई वन इन दोनों का डिफरेंस ये लिखा जाएगा बी टू के नीचे यानी एक्स वन माइनस वाई वन ठीक है और इधर एक्स टू माइनस वाई टू एक इंपॉर्टेंट चीज नोट लगाते हुए निगेटिव साइन ऑफ ओड्स इज इग्नोर्ड निगेटिव साइन ऑफ ओड्स इज इग्नोर्ड ये हमने ओड्स कंप्यूट करने हैं अगर कंप्यूटेशन के बाद निगेटिव आ रहा है यानी माइनस का सिक्स माइनस का फोर तो माइनस को इग्नोर कर देना है सिर्फ सिक्स और फोर लिखना है ठीक है जी ये हमने ओड्स कंप्यूट कर लिए ध्यान से सुनना इन ओड्स का टोटल यानी दिस प्लस दिस जो भी आएगा यहां पर दिस प्लस दिस भी वही होना चाहिए तभी ये मेथड काम करेगा ध्यान रहेगी बात यानी ओड्स का टोटल दिस प्लस दिस इक्वल होना चाहिए दिस प्लस दिस के क्लियर है आगे बढ़ते हैं ध्यान से सुनना अभी हमने जो पहले क्वेश्चन बनाया यहां पर जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आई थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेटजी आई थी कैसे एग्जैक्ट कहा मैंने प्लेयर ए की एक्ट स्ट्रेटजी ए टू ऑफ गेम आया था फाइव लेकिन यहां पर है मिक्स स्ट्रेटजी मिक्स स्ट्रेटजी यानी यहां पर एग्जैक्ट ए वन या ए टू को आप ऑप्टीमल नहीं कह सकते हैं प्लेयर बी के लिए बी वन या बी टू को आप ऑप्टीमल नहीं कह सकते हैं इनका मिक्सचर होगा और मिक्सचर होगा किसके लिए प्रोबेबिलिटीज़ को यूज करते हुए क्योंकि यहां पर ये प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन ऑप्टेंड होती है अच्छा अब कैसे मिक्सचर होगा तो हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी इन स्ट्रेटजी की और प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी स्ट्रेटजी की वो जरा ध्यान देना प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी ए ध्यान से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी ए कैसे निकलेगी दिस डिवाइड बाय ये टोटल और ये टोटल क्या है वो तो हमें तो पता है ये लो मैं लिख देता हूं वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय वाई वन माइनस वाई टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू यानी कुछ भी तो नहीं है इन दोनों का ही टोटल इसी तरह प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेटजी अच्छा ऊपर हमने निकाली थी ए वन की स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी अब नीचे हम निकाल रहे हैं ए टू ए टू के लिए क्या करेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय वाई वन माइनस वाई टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू ठीक है यानी अब क्या कर दिया हमने दिस डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल से कर दिया इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी बी वन और बी टू भी निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी बी वन बी वन के लिए क्या करना है इसको इन दोनों इसके और इसके टोटल से डिवाइड कर दो यानी एक्स टू माइनस वाई टू X2 टू माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस वाई टू प्लस एक्स वन माइनस वाई वन सेम इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी बी टू B2 के लिए अब कौन सा टोटल लेंगे इसको डिवाइड कर देंगे इसके और इसके टोटल से x1 वन माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस वाई टू प्लस एक्स वन माइनस वाई वन ये हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल दी स्ट्रेटजी की वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलेगा ये लीजिए वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू जरा ध्यान से देखना वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए क्या करना है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाई ये टोटल कैसे लिख देता हूं मैं एक्स वन मल्टीप्लाई बाई वाई वन माइनस वाई टू वाई वन माइनस वाई टू प्लस अब ये वाई वन वाई वन मल्टीप्लाई बाई एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय वाई वन माइनस वाई टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू सर ये इतने सारे फॉर्मूले हम याद कैसे कर सकते हैं मैंने आपसे कहा ये फॉर्मूले इंस्टीट्यूट आपको लिखकर बताता है आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप डायरेक्टली चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो मैं दिखा दूंगा अभी आपको ये आपने नोट कर लिया है यहां पर बिल्कुल ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ना निकलकर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी हमें निकालनी है यानी प्लेयर ए एवन स्ट्रेटजी और ए टू स्ट्रेटजी इन दोनों को यूज करेगा उनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है इन प्रोबेबिलिटीज के साथ इसीलिए इसे मिक्स्ड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन कहा गया है इसी तरह प्लेयर बी बी वन और बी टू दोनों स्ट्रेटजी का यूज कर सकता है इन प्रोबेबिलिटीज के साथ और वैल्यू ऑफ गेम निकल कर आ जाएगी हमारी ये वैल्यू जो निकल कर आ रही है क्लियर है ध्यान रहेगी बात मैं आपको इससे भी क्वेश्चन बनाकर दिखाने वाला हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी चलो बढ़ते हैं आगे चलिए क्वेश्चन नंबर वन पर आ जाते हैं बुक निकाल लीजिए बुक में क्वेश्चन नंबर वन ये देखिए क्या लिखा है सोल्व द गेम विद पे ऑफ मैट्रिक्स देखिए पे ऑफ ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसे पे ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है क्यों मैक्सिमाइजिंग प्लेयर के लिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो गेन प्रेजेंट करते हैं और मिनिमाइजिंग पेयर के लिए इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो लॉस प्रेजेंट करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है one, five, four, इसे हमें सोल्व करना है ध्यान से क्वेश्चन नंबर वन क्या मैट्रिक्स दिए हमें वन फाइव फोर यही है ना हां जी ध्यान से समझना इसे हम सोल्व करने जा रहे हैं लेट द गिवन गेम इज प्लेड बाय प्लेयर ए इसे हम कहेंगे मैक्सिमाइजिंग प्लेयर एंड प्लेयर बी इसे हम कहेंगे मिनिमाइजिंग प्लेयर ठीक है ध्यान से हम इसे नाम लिख देते हैं ऊपर लिख देते हैं हम प्लेयर बी इसकी स्ट्रेटजीज हमें दे रखी हैं बी वन बी टू प्लेयर ए इसकी स्ट्रेटजीज हम कह देते हैं ए वन एंड ए टू अब ध्यान से समझो क्या क्या टर्म्स दे रखी थी वन फाइव फोर टू सबसे पहले तो चेक करो कि क्या ये प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है या मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमिन मिनिमैक्स क्राइटेरिया से कैसे जरा ध्यान देना मैक्सिमिन मिनिमैक्स क्राइटेरिया में हम क्या निकालते थे रो मिनिमम रो मिनिम बताओ जरा वन और फाइव में से मिनिमम है वन फोर और टू में से मिनिमम है टू अब इसका क्या देखना है हमें इसका हाईएस्ट तो इसका हाईएस्ट क्या आ गया इसका हाईएस्ट आ गया टू तो ये क्या आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ठीक है कॉलम के लिए हमें निकालना पड़ता है कॉलम मैक्सिमम कॉलम में मैक्सिमम क्या है वन और फोर में मैक्सिमम है फोर फाइव और टू में मैक्सिमम है फाइव अब इन मैक्सिमम में से हमें देखना है मिनिमम तो इस मिनिमम में क्या रहा है ये फोर आ रहा है ये आ गई हमारी मिनिमैक्स वैल्यू अब आप चेक करो क्या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं यानी ये क्वेश्चन प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन नहीं है तो कैसे करेंगे जरा ध्यान देना मैक्सिमम वैल्यू जो कि टू है डज नॉट इक्वल मिनी मैक्स वैल्यू maximum value is not equal to minimax value comma hence saddle point does not exist full stop it is ए क्वेश्चन इट्स ए गेम ऑफ मिक्स स्ट्रेटजी इट्स ए मिक्स स्ट्रेटजी गेम और अगर मिक्सड स्ट्रेटजी गेम है तो कौन से मेथड से सोल्व होगा ओड मेथड से अब जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे ओड मेथड से और मैंने आपको ओड मेथड के अभी कुछ देर पहले ही फॉर्मुलेज लिखवाए हैं और मैंने आपको बताया अपने फॉर्मुले ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना है तो जरा ध्यान दो मैं देखो डायरेक्ट कैसे निकालूंगा बी वन बी टू ए वन ए टू वन फाइव फोर टू ध्यान से वन फाइव फोर टू पहले ओड्स निकालिए ध्यान से जरा प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं ओड्स यहां पर भी निकाले जाएंगे और ओड्स यहां पर भी निकाले जाएंगे कैसे जरा ध्यान से मैंने आपसे कहा यहां पर लीजिए वन और फाइव का डिफरेंस कितना आ जाएगा सर ये माइनस का फोर आएगा हम इसे फोर रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान से मैंने पहले ही लिखवाया था आपको ये देखो फिर से पढ़वा देता हूं ये देखो क्या लिखा था हमने यहां पर निगेटिव साइन ऑफ ओड्स इज इग्नोर्ड नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है तो वन और फाइव का डिफरेंस हमने ए टू के सामने ओड्स में लिखा है अच्छा यहां पर फिर इसका डिफरेंस ऊपर यानी फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू ये ओड्स आ गए इसी तरह यहां पर कॉलम वाइज यहां पर क्या आएगा फाइव माइनस टू फाइव माइनस टू थ्री और यहां पर वन माइनस फोर माइनस का थ्री आएगा लेकिन हम प्लस का थ्री ही दिखाएंगे और मैंने आपसे क्या कहा था कि इन ओड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए कहने का मतलब क्या है इस टू और फोर को ऐड करो तो भी सिक्स आएगा इस थ्री और थ्री को ऐड करो तो भी सिक्स आएगा तो ये आ गया हमारा सिक्स अब देखो कितना इजी हो रहा है आप समझ रहे हैं कितने सारे फॉर्मूले हमने लिखे थे लेकिन उनका यूज क्या हो रहा है कुछ भी नहीं अब जरा ध्यान देना अब क्या करें हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्ट्रेटजी एवन एवन स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी बहुत ही सिंपल तरीका है ये टू जो हमने ओट्स निकाला है और डिवाइड बाई ओट्स का टोटल यानी टू बाई सिक्स हम इसे कह सकते हैं वन बाई थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी ए टू इसके लिए क्या करेंगे फोर बाई सिक्स दैट इज टू बाई थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी बी वन बी वन के लिए कैसे करेंगे थ्री बाई ओट्स का टोटल सिक्स यानी वन बाई टू बिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी बी टू ये कैसे थ्री बाई सिक्स दैट इज वन बाई टू निकल गया और लास्ट में वैल्यू ऑफ गेम वैल्यू ऑफ गेम निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने ध्यान से फिर से देख लो क्या करेंगे वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई फोर डिवाइड बाई टू प्लस फोर वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय फोर यही था ना वन टू फोर फोर हाँ डिवाइडेड बाय टू प्लस फोर क्या आ जाएगा ये टू प्लस सिक्सटीन डिवाइड बाई सिक्स दैट इज एटीन डिवाइड बाई सिक्स दैट इज थ्री वैल्यू ऑफ गेम आ गया थ्री और ये थ्री क्या रिप्रेजेंट करता है आप समझ रहे हैं? लिख देता हूं मैं एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ए इज़ इक्वल टू थ्री और इसी को हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ बी थ्री ठीक है बी का लॉस है एक अगेन और यहां पर हम लिख सकते हैं प्लेयर ए चूजेज हिज स्ट्रेटजीज ए वन एंड ए टू विद प्रोबेबिलिटीज ए वन और ए टू की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी वन बाई थ्री टू बाई थ्री वन बाई थ्री कोमा टू बाई थ्री फुल स्टॉप Player B chooses his strategies B one and B two with probabilities. क्या प्रोबेबिलिटी थी वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू कोमा वन बाई टू एंड वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू थ्री ये हमने देखिए क्वेश्चन कर दिया है जहां मिक्स्ड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होगा वहां हमें वैल्यू ऑफ गेम के साथ प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी की जहां प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होगा वहां कोई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है क्योंकि वहां बिल्कुल एक पर्टिकुलर आती है ठीक है और वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कौन सी होती है जहां पर सेडल पॉइंट होता है चलिए ये क्वेश्चन बन गया है आप आंसर चेक कर सकते हैं देखिए वैल्यू ऑफ गेम थ्री रहा वैल्यू ऑफ गेम थ्री पी यानी a1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 a2 की प्रोबेबिलिटी 2/3 b1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 b2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 क्लियर है चलो फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो देखो बनाना आ गया आपको और मेथड से भी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम ही कर लेते हैं कोई बात नहीं कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर टू सोल्व द गेम सीधा ही लिख दिया सोल्व द गेम फाइव वन थ्री फोर चलो निकालते हैं क्या दे रखा है फाइव वन थ्री फोर लिखते हैं लेट द अच्छा एलिमेंट यही थे ना फाइव वन थ्री फोर ठीक है लेट द गिवन गेम इज प्लेड बाय प्लेयर ए जो कि कैसा प्लेयर होगा मैक्सिमाइजिंग प्लेयर and player b that is minimizing player <laughs> Chalo. player b b1 B2 इसकी स्ट्रेटजी हम कह देंगे प्लेयर A A1 A2 ए टू ये इसकी स्ट्रेटजी हम कह देंगे फाइव वन थ्री फोर सबसे पहले क्या करें पहले प्योर स्ट्रेटजी से चेक करते हैं रो मिनिमम रो मिनिमम बताओ जरा फाइव वन मिनिमम क्या है वन थ्री फोर मिनिमम क्या है थ्री अब इनमें से हाईएस्ट क्या आ रहा है ये थ्री है इसे हम कह देंगे मैक्सिम वैल्यू अब तो क्लियर होगा ना पॉइंट आपको ये एग्जाम्पल भी करा चुका हूं मैं आपको क्वेश्चन भी करा चुका हूं कॉलम मैक्सिमम फाइव और थ्री में से मैक्सिमम क्या है फाइव वन और फोर में से मैक्सिमम क्या है फोर इसमें से हमें क्या देखना है मिनिमम और इसे हम क्या कहेंगे मिनिमैक्स वैल्यू क्या ये मैक्सिमम और मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल है नहीं है नीचे लिखते हैं Maximum value that is three not equal to minimax value that is four comma hence saddle point does not exist. सेडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट फुल स्टॉप इट इज ए गेम ऑफ मिक्सड स्ट्रेटजी और अगर मिक्सड स्ट्रेटजी का गेम है तो कैसे सोल्व करना पड़ेगा ओड मेथड से ये लीजिए ओड मेथड लगाते हैं हम ओड मेथड में पहले ओड्स निकालने पड़ेंगे ओड्स निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी और वैल्यू ऑफ गेम इज़ीली निकल ही जाएगा ये लो बी वन बी टू ए वन ए टू फाइव वन थ्री फोर फाइव वन थ्री फोर चलो ओड्स निकालो फाइव और वन का डिफरेंस यहां पर आ जाएगा ये फोर थ्री और फोर का डिफरेंस ये माइनस वन आएगा लेकिन हम पॉजिटिव दिखाएंगे मैंने आपको बता रखा है इसी तरह पर यहां पर वन माइनस फोर यह आ जाएगा थ्री पॉजिटिव दिखाएंगे फाइव माइनस थ्री आ जाएगा टू और ओड्स का टोटल इक्वल होना चाहिए इक्वल से मेरा मतलब क्या था ये वन प्लस फोर फाइव आ रहा है ये थ्री प्लस टू ये भी फाइव आ रहा है क्लियर है अब निकाल दो प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी ए क्या करेंगे वन डिवाइड बाई फाइव वन डिवाइड बाई फाइव इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी ए टू अच्छा ऊपर किसकी थी ए वन की ये क्या आ जाएगा फोर डिवाइड बाई फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी बी वन बी वन के लिए चेक करो थ्री डिवाइड बाई फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ strategy बी टू टू बाई फाइव टू बाई फाइव अब क्या निकालें वैल्यू ऑफ गेम वैल्यू ऑफ गेम के लिए क्या करना है फाइव मल्टीप्लाई बाई वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर डिवाइड बाई ओट्स का टोटल फाइव फाइव मल्टीप्लाई बाय वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर डिवाइड बाय वन प्लस फोर फाइव प्लस ट्वेल्व डिवाइड बाय फाइव दैट इज सेवेंटीन बाय फाइव नीचे मेन आंसर लिख देंगे प्लेयर ए Chooses his strategies A one and A two with probabilities Kathy probabilities one by five, four by five, one by five and 4 by 5 comma player b chooses chooses his strategies b1 and b2 with probabilities थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव कोमा टू बाई फाइव एंड वैल्यू ऑफ गेम इज सेवेंटीन बाई फाइव ये क्वेश्चन बन गया है आप आंसर चेक कर सकते हैं ये देखिए वैल्यू ऑफ गेम सेवनटीन बाई फाइव ए वन की प्रोबलिटी ए टू की प्रोबेबिलिटी, बी वन की प्रोबेबिलिटी, बी टू की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है अब आपको समझ वो बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी स्ट्रेटजी क्या है प्योर स्ट्रेटजी क्या है मिक्स स्ट्रेटजी क्या है क्यों मिक्स्ड का नाम दे रहे हैं हम इसे वो बात समझ आ रही है यहां पर कोई फिक्स्ड स्ट्रेटजी ऑप्टिमल नहीं है आपको प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए तब स्ट्रेटजी ऑप्टिमल बतानी है ये देखिए हो सकता है तब आपको ये बातें समझ ना आ रही हो जो मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा रहा था ये तो मैक्सिमम मिनिमम मिनिमैक्स तो आपको समझ आएगी ये देखो ये नहीं रहा स्ट्रेटजी क्या थी हर प्लेयर की स्ट्रेटजी आपको क्वेश्चन में ही तो दी गई होती है

स्ट्रेटजीज का यूज करेगा देखो ये भी हमने लिखा था प्योर स्ट्रेटजी इफ ए प्लेयर व्हाट द अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू ए डिटरमिनिस्टिक सिचुएशन इज डिटरमिनिस्टिक एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ही लेनी है उसे प्योर स्ट्रेटजी इज ए डिसीजन इन एडवांस टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन पर्टिकुलर एक ही एग्जैक्ट स्ट्रेटजी होगी मिक्स स्ट्रेटजी जहां पर एक एग्जैक्ट नहीं होगी प्रोबेबिलिटी के साथ दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है

कुछ क्वेश्चन भी बना लेते हैं अब इसके क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे देखते हैं जरा चलिए हेडिंग दीजिएगा मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, पढ़ो पढ़ो कि लिखो लिखना स्टार्ट करो रूल वन लिखिएगा इफ ऑल द एलिमेंट्स of if all the elements of a अच्छा a यानी maximizing player की strategy की बात कर रहे हैं इसे कहते हैं स्ट्रेटी एफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी ए वन लिख देता हूं अच्छा ए वन सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं ये ए वन ए टू ए थ्री कुछ भी हो सकता है फ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी ए वन यानी हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रो की आर लेस देन और इक्वल टू द कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स corresponding elements of strategy a2 yani koi another row if all the elements of strategy a1 are less than or equal to the corresponding elements of strategy a2 comma it means स्ट्रेटी ए वन इज डोमिनेटेड बाय स्ट्रेटजी ए टू ध्यान से सुनना ए यानी जहां पर हम रोवाइज़ बात कर रहे हैं कौन सा प्लेयर है मैक्सिमाइजिंग प्लेयर मैक्सिमाइजिंग प्लेयर अपने गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है अगर किसी रो में किसी दूसरी रो के कंपैरिजन में सारे एलिमेंट्स कम हैं, तो कम वाले ऑप्शन तो उसके लिए बेकार हैं। उस रो को हम वहां से हटा देंगे और यही चीज मैंने यहां पर लिखी है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटी ए वन आर लेस इक्वल टू द कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटी ए टू इट मीन स्ट्रेटी एवन इज डोमिनेटेड बाई स्ट्रेटी ए टू यानी उस मैट्रिक से एवन रो बेकार हो जाएगी हमारे सोल्यूशन के लिए प्लेयर ए के लिए वो रो बेकार है वेस्ट है हटा दी जाएगी ठीक है रूल टू जिस तरह हमने मैक्सिमाइजिंग प्लेयर के लिए कहा मिनिमाइजिंग प्लेयर के लिए भी सोचो वो अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है कोई कॉलम ऐसा है जिसमें दूसरे कॉलम के कंपैरिजन में सारे एलिमेंट ज्यादा ही हैं तो लॉस को मिनिमाइज करना है तो ज्यादा वाले एलिमेंट वाला कॉलम हटा दिया जाएगा तो इसे हम क्या लिख कैसे लिख सकते हैं लिखिए इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी कॉलम वाइज वन कह दू मैं यानी हम कॉलम की बात कर रहे हैं कॉलम आर मोर देन और इक्वल टू द कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी बी वन आर मोर देन और इक्वल टू द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी बी टू यानी कोई दूसरा कोलम ये ए वन ए टू बी वन बी टू कोई फिक्स नहीं है वन की जगह ए टू ए थ्री ए फोर ए टू की जगह कुछ भी हो सकता है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम कहां पर रो की बात कर रहे हैं और कहां पर कॉलम की बात कर रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं मैं क्या लिखा हमने हमनेक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटी बी टू कॉमा इट मीन स्ट्रेटी बी वन इज डोमिनेटेड बाय स्ट्रेटी बी टू अच्छा ये रूल टू था मैंने यहाँ पर भी वन ही लिख दिया हाँ सर हम तो पहले से ही कह रहे हैं सिर्फ टू करो अरे बच्चे आपकी आवाज तो नहीं आ रही ना मुझ तक Actually, rule three. If all the elements of strategy A one row. Are less than or equal to the average of corresponding elements. ऑफ अदर रोज अदर रोज मतलब हमारा क्या है ए टू कोमा ए थ्री कोमा डोट 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 कोमा इट मीन्स स्ट्रेटेजी A1 वन इज डोमिनेटेड बाय अदर स्ट्रेटजीज अदर स्ट्रेटजीज यानी जिनका भी हमने एवरेज निकाला है ए टू कोमा ए थ्री डॉट डोट डॉट फुल स्टॉप सेम इसी तरह एक रूल फोर बना लीजिए कॉलम को ध्यान में रखते हुए रूल फोर इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी बी वन यानी यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं कॉलम की किसकी स्ट्रेटजी मिनिमाइजिंग प्लेयर की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं आर More than or equal to the average of corresponding elements of. अदर कॉलम्स हम कह सकते हैं बी टू कोमा बी थ्री कोमा डॉट डोट कोमा इट स्ट्रेटजी बी वन इज डोमिनेटेड बाय अदर स्ट्रेटजीज कौन सी स्ट्रेटजीज जिनके एलिमेंट्स को लेते हुए एवरेज निकाला गया है बी बी टू कॉमा बी थ्री कॉमा डॉट डॉट डोट बी टू कॉमा बी थ्री कॉमा डोट 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 है ध्यान से बी टू कॉमा बी थ्री कॉमा डॉट डॉट ये हमने लिखा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस सर ये क्या है इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी आप सोचो हमने जो ओड मेथड लगाया है मिक्स्ड स्ट्रेटजी वाला जो ओड मेथड लगाया है हमने उसमें ओड्स निकालने सीखे आपने ध्यान दिया प्लेयर ए और प्लेयर बी की सिर्फ दो दो स्ट्रेटजी ही दे रखी थी ए वन ए टू बी वन बी टू अगर दो से ज्यादा स्ट्रेटजी दे रखी हो तो तो पहले हमें उस मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा और रिड्यूस करने मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करने के लिए ही जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है उसे हम यहां पर नाम दे रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बात समझ आ रही है यानी अगर मैट्रिक्स का साइज टू बाई टू से ज्यादा है तो फिर ओड मेथड कैसे लगाओगे ओड तो हमने ए की दो स्ट्रेटेजी और बी की दो स्ट्रेटी के केस में ही सीखा है ना अगर दो से ज्यादा ज्यादा स्ट्रेटेजी दे रखी तो फिर ओड मेथड कैसे लगेगा तो पहले प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाते हुए हमें उस मैट्रिक्स के साइज को मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिड्यूस करना पड़ेगा टू बाई टू पर लाना पड़ेगा और फिर ओड मैथड का हम यहां पर यूज करते हैं ध्यान रहेगी ये बात चलो समझते हैं इस बात को क्वेश्चन देखते हैं इस बात को भी बुक में आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री पर ध्यान से पढ़ना बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये देखो क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ें ध्यान से पढ़ेंगे द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इज नेगोशिएटिंग विद इट्स यूनियन फॉर रिविजन ऑफ आर्ली वेजेज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज कंपनी का मैनेजमेंट यूनियन से नेगोशिएट कर रहा है आर्ली एम्प्लॉयज के आर्ली वेजेस को रिवाइज करने के लिए द मैनेजमेंट डिप्लॉयड ए कंसल्टिंग फॉर्म

एक मैट्रिक्स बनाकर दे दी और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में क्या लिखा हुआ है आरली एडिशनल आरली कॉस्ट टू यानी अब आप नीचे अगर टेबल में देखें तो ये मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी दे रखी है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर स्ट्रेटजीज ऑफ द यूनियन दे रखी है यू वन यू टू यू थ्री यू फोर और जो मैट्रिक्स का डेटा है वो आर्ली कॉस्ट है यानी जो कंपनी को बियर करनी पड़ेगी यानी कॉस्ट है कंपनी की और अर्निंग किसकी है यूनियन की ध्यान रखना अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहेगी कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना चाहेगी तो यानी कंपनी यहां पर होगी मैनेजमेंट यहां पर होगा मिनिमाइजिंग प्लेयर और यूनियन यहां पर होगी मैक्सिमाइजिंग प्लेयर पढ़ो आगे इट इज शोन बिलो

ये तो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर हुआ ना आप समझो लेबर वर्कर्स के वेजेस यूनियन बढ़ाना चाहेगी और मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट की है कॉस्ट क्योंकि मैनेजमेंट जब पे करेगा तो मैनेजमेंट की पॉकेट से जाएगी कॉस्ट वेजेस लेबर की होगी अर्निंग यानी यह है मिनिमाइजिंग प्लेयर बात समझ आ रही है ध्यान से लिखना स्टार्ट करते हैं हेयर कोमा मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज मिनिमाइजिंग प्लेयर बात समझ आ रही है मिनिमाइजिंग क्यों क्योंकि अपनी कॉस्ट को इन्हें मिनिमाइज करना है एंड यूनियन इज मैक्सिमाइज़िंग प्लेयर मैक्सिमाइज़िंग प्लेयर फुल स्टॉप हेंस वी शुड रीसेट द मैट्रिक्स एज फोलोज इसलिए हमें मैट्रिक्स को रिसट कर लेना चाहिए रिसेट कैसे हमने कहा मैक्सिमाइजिंग प्लेयर हमारा किधर आएगा रो वाइज लेकर आएंगे उसको तो ये लो यहां पर अब आ जाएगी क्या यूनियन और यहां पर आ जाएगा मैनेजमेंट समझ आ रही है बात यूनियन की स्ट्रेटजी क्या दे रखी है U1, U2, U3, U4 यू थ्री यू फोर और मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी एम वन एम टू एम थ्री देख रहे हैं चार चार स्ट्रेटजी यहां पर दे रखी है हमें चलो हमने मैट्रिक्स का डिजाइन जो है वो चेंज कर देना है तो 2.5 2.7 2.5 2.7 ऐसे लिखना पड़ेगा ना 3.5 पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो

थ्री एलिमेंट्स क्या है थ्री वन पॉइंट फोर वन पॉइंट नाइन जीरो वन पॉइंट फोर जीरो वन पॉइंट नाइन जीरो एंड जीरो हमने मैट्रिक्स इस तरह से लिख ली है सबसे पहले चेक करो मैक्सिमम और मिनिमैक्स वैल्यू निकाल कर देखो चलो निकालते हैं यहां पर क्या करेंगे हम रो मिनिमम रो मिनिमम यानी फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है सिर्फ फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट है 1.40 है ना सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट है 1.20 थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट है जीरो पॉइंट एट जीरो फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट है माइनस पॉइंट टू जीरो निगेटिव मिनिमम हुआ ना और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इन सब में सबसे हाईएस्ट ये रहा मैक्सिमम वैल्यू ठीक है जी इसी तरह कॉलम मैक्सिमम निकालो मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है थ्री पॉइंट फाइव एलिमेंट क्या है मैक्सिमम एलिमेंट वन पॉइंट फाइव जीरो और एम फोर का मैक्सिमम एलिमेंट वन पॉइंट नाइन जीरो इन मैक्सिमम में से मिनिमम क्या है वो मिनिमम है 1.5 ये रहा ये क्या हो जाएगी मिनिमैक्स वैल्यू क्या ये मैक्सिमिन और मिनिमैक्स इक्वल है सॉरी ये तो इक्वल नहीं है तो यानी कैसा मेथड है ये कैसा गेम है मिक्स का गेम है लिख देते हैं मैक्सिमिन वैल्यू मैक्सिमम क्या थी 1.4 नोट नॉट इक्वल टू दैट इज 1.5 पॉइंट फाइव हेंस सेडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट hence saddle saddle point does not exist full stop it's question missed strategy game अच्छा मिक्सड स्ट्रेटजी गेम है तो हमें ओड मेथड लगाना पड़ेगा ओड मेथड लगाना पड़ेगा तो ओड मेथड तो मैट्रिक्स टू बाई टू की होनी चाहिए ये तो फोर बाई फोर की मैट्रिक्स है फोर बाई फोर में कैसे कह रहा हूं बात समझ आ रही है यानी रो भी फोर है कॉलम भी फोर है ओड मेथड लगाने के लिए हमें टू रोज टू कॉलम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अब हम यहां पर लगाएंगे डोमिनेंस रूल अब जरा आप ध्यान दें पहले यूनियन के रेस्पेक्ट में देखें यूनियन के रेस्पेक्ट में क्या कोई रो ऐसी है जो किसी दूसरी रो के सारे एलिमेंट में से उस रो का एलिमेंट कम आ रहे हो जरा ध्यान से देखना कंपैरिजन करते हैं सबसे कम चलो हम यू फोर से स्टार्ट करते हैं तो यू फोर क्यों देख रहा हूं मैं वो बात समझ पा रहे समझ पा रहे हो क्योंकि यू फोर सबसे पहले U4 अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम मिनिमम देख रहे हैं ये सबसे मिनिमम माइनस पॉइंट टू जीरो इसको कंपेयर करें किसी से भी कंपेयर करो माइनस पॉइंट टू जीरो को कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल हम यू वन से तो माइनस पॉइंट टू जीरो इस टू पॉइंट फाइव से कम है हाँ ये जीरो पॉइंट एट इस टू से कम है हाँ ये वन पॉइंट थ्री इस वन पॉइंट फोर से कम है हाँ ये जीरो इस थ्री से कम है हाँ देखा आपने यू फोर के सारे एलिमेंट्स यू वन के सारे एलिमेंट से कम आ रहे हैं तो अगर U4 के सारे एलिमेंट U1 से कम आ रहे हैं तो U4 फोर एलिमेंट यू फोर स्ट्रेटेजी को यहां से हटा दिया जाएगा और क्यों हटा दिया जाएगा क्योंकि यूनियन जो है यूनियन अपने वेजेस बढ़ाना चाहती है मैक्सिमाइजेशन प्लेयर है तो मिनिमाइजेशन वाली रो को डिलीट कर देंगे यहां पर मैं लिखता हूं ये लो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं All the elements all the elements of Strategy U four less than acha equal to be सारे ही कम ही हैं इक्वल टू हो तो भी हम काट सकते हैं आर लेस देन द एलिमेंट्स लेस देन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐसे लिखो लेस देन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ Strategy U One Full stop It means Strategy U Four is dominated by स्ट्रेटेजी यू वन द न्यू मैट्रिक्स इज अब नई मैट्रिक्स क्या है ध्यान से यू फोर डोमिनेट हो गई है यू वन से तो यू फोर को हटा देंगे अब यहां से तो अब हमें क्या करना है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर यू वन यू टू यू थ्री लिख लो ऊपर से देखकर कितना कितना था टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट फाइव 2 1.6 0.8 2 1.6 0.8 1.4 1.2 1.5 1.4 1.2 3 1 1.4 1 1.9 थ्री वन पॉइंट यहां तक बात समझ आई अब इस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चेक करो इस मैट्रिक्स में फिर से चेक करो अब बात करेंगे कॉलम वाइज देखो हमने रूल वन आपको लगाना यहां पर सिखाया है ये देखो रूल वन हमने लगाना सीख लिया ये रहा क्या लिखा था यहां पर इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी ए वन मैंने कहा था एवन ए टू ए कुछ भी हो सकता है सिर्फ आपको समझाने के लिए ए स्ट्रेटजी की बात करने प्लेयर की आर लेस देन और इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी ए टू इट मीन स्ट्रेटजी एवन इज डोमिनेटेड बाई स्ट्रेटजी ए टू तो ए वन को हटा दिया जाएगा यहां पर ए फोर के सारे एलिमेंट यू यानी यू के सारे एलिमेंट यू से कम थे तो हमने यू को डिलीट कर दिया कॉलम वाइज देखो क्या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के सभी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट से ज्यादा तो नहीं है ज्यादा देखना है अच्छा ज्यादा देखना है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला ही देखो U1 में सबसे यानी अगर हम कॉलम वाइज देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा कहां पर दिख रहा है ये थ्री दिख रहा है देखो ये थ्री चेक करो जरा इस थ्री को कंपेयर करते हैं ये थ्री ये थ्री क्या वन 1.4 से ज्यादा है हाँ ये 1.4 पॉइंट फोर कैश वन से ज्यादा है हाँ ये 1.9 क्या 1.5 से ज्यादा है हाँ ध्यान से 3 1.4 से ज्यादा है 1.4 1.2 से ज्यादा है 1.9 1.5 से ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या लिखेंगे ध्यान से All the elements of m4 are more than देखिए मोर देन और इक्वल टू इक्वल टू हो तो भी चलेगा यहां पर मैं और इक्वल टू वर्ड क्यों नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सारे ज्यादा ही हैं इक्वल टू तो है ही नहीं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एम फोर एम फोर आर मोर देन the corresponding elements corresponding elements of m3 comma it means strategy m4 इज डोमिनेटेड बाय स्ट्रेटेजी एम थ्री एम थ्री से डोमिनेट हो गई है एम फोर फुल स्टॉप द न्यू मैट्रिक्स इज नई मैट्रिक्स क्या बनेगी अब एम वन एम टू एम थ्री यू वन यू टू यू थ्री आप देख रहे हैं मैट्रिक्स का साइज धीरे धीरे जा रहा है 2.50, 2.70, 3.50, 2 वन पॉइंट सिक्स क्लियर है समझ आ रहा है पॉइंट अभी इसे और भी रिड्यूस करना है फिर से अब रोवाइज चेक करेंगे चलिए फिर से चेक कीजिए जरा मिनिमम वाले देखना है हमें मिनिमम वाली डिलीट करते हैं ना रोवाइज तो ये 2.5 क्या 2.7 से कम है हाँ ये 2 क्या 1.6 से कम है नहीं इसे हम अभी नहीं कह सकते कहीं और कंपेयर करो ये क्या 3.5 से कम है हाँ। ये 2 क्या 0.8 से कम है नहीं ये भी कम नहीं है और किसे कंपेयर करें U2 और U3 को हमने कर लिया है ये 2.5 क्या 2.7 से कम है हाँ। टू वन पॉइंट सिक्स नहीं रो वाइज तो मिल ही नहीं रहा रो वाइज नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं कॉलम वाइज चेक करो क्या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के सभी एलिमेंट से ज्यादा है क्या चेक करो जरा यहां पर देखिए ये M1 का, ये का क्या टू से ज्यादा है हाँ ये टू पॉइंट सेवन क्या वन पॉइंट सिक्स से ज्यादा है हाँ ये थ्री पॉइंट फाइव क्या जीरो पॉइंट एट से ज्यादा है हाँ ज्यादा है तो इस ज्यादा को ही हम क्या कर देते हैं यहां से डिलीट कर देते हैं लिख देते हैं ये लीजिए सर एम वन के सारे एलिमेंट एम थ्री के सारे एलिमेंट से भी तो ज्यादा हैं बिल्कुल सही बात है तो जो ज्यादा वाला है वही तो हटा रहे हैं हम अब आप नीचे क्या लिख रहे हैं कि एम वन के सभी एलिमेंट एम टू से ज्यादा हैं इसलिए हम एम वन को हटा रहे हैं या एम वन के सभी एलिमेंट एम थ्री के एलिमेंट से ज्यादा है इसलिए हम एम वन को हटा रहे हैं हटेगा तो एम वन ही ये लोग लिख देते हैं ऑल द एलिमेंट्स Of M one are more than the corresponding elements corresponding Elements of M two, comma. It means एम वन इज डोट बाय बाय एम टू एंड इग्नोर चलो द न्यू मैट्रिक्स इज द न्यू मैट्रिक्स इज बताइए जरा अब एम वन को इग्नोर करेंगे यानी क्या रह एम टू एम थ्री यू वन यू टू यू थ्री कोई गलत फिगर उठा एम टू की टू 1.60, जीरो जीरो वन पॉइंट सिक्स जीरो जीरो एट जीरो वन पॉइंट फोर जीरो 1.20, फिर से रो वाइज चेक कर लो रो वाइज चेक करो क्या किसी रो के सारे एलिमेंट किसी दूसरे रो के सारे सभी एलिमेंट से कम है क्या चेक करो जरा ये देखिए ये 1.6 क्या 2 से कम है हाँ ये 1.2 क्या 1.4 से कम है हाँ अब तो कम आ रहा है तो मैं लिख देता हूं यहां पर All the elements of U two are less than the corresponding element comma u2 is dominated by यू वन एंड इग्नोर्ड ध्यान से तो क्या क्या रह जाएगा यहां पर एम टू यू वन यू थ्री टू जीरो पॉइंट एट 1.4, 1.5. फोर देखिए मैट्रिक्स टू बाई टू की आ चुकी है अब हम यहां से ओड मेथड लगा सकते हैं अब तो लगाया जा सकता है ओड मेथड. ओड मेथड लगाइए चलो एम टू यू वन निकालो ओट्स पहले एलिमेंट्स तो टू पॉइंट जीरो 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 पॉइंट एट जीरो 1.40 1.50 यहां पर 0.8 और 1.5 का डिफरेंस 0.8 0.70 मैंने आपको पहले ही बताया था इधर आ जाइए कॉलम वाइज 1.4 पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट और इधर 2 माइनस जीरो पॉइंट एट वन पॉइंट का टोटल सेम आना चाहिए यानी ये पॉइंट सेवन पॉइंट सिक्स का टोटल और ये पॉइंट वन वन पॉइंट टू का टोटल सेम आना चाहिए सेम आ रहा है वन पॉइंट थ्री ठीक है निकाल की। और वैल्यू ऑफ गेम निकालना है निकालते हैं मिलेगी पॉइंट सेवन जीरो डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री जीरो हम इसे कह सकते हैं Probability of U three is equal to 0 0.60 probability of M point one divided by one point three. That is one by thirteen. 4, one point thirteen. Value of game. वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलता है कितनी ही बार मैं बता चुका हूं क्वेश्चन भी करा चुका हूं आपको क्या करना है टू इन टू पॉइंट सेवन पॉइंट एट इन टू पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई पॉइंट सेवन प्लस पॉइंट सिक्स निकालो कितना आ रहा है वन पॉइंट फोर जीरो प्लस जीरो पॉइंट फोर डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट एट एट डिवाइड करके ही बता दो 1.446 है 45 कर देते हैं रुपीज में डेटा दे रखा था ना तो पैसों को दो डिजिट से ज्यादा ले जाने का कोई फायदा नहीं वैल्यू ऑफ गेम देखिए हमारी आ गई 1.45 ठीक है नीचे हम लिख सकते हैं यूनियन चूजेज Its strategies: U one comma, U two comma, U three and. ध्यान with probability वो तो हमने सोल्व करते हुए दो पे आके सोल्व किया है लेकिन प्रोबेबिलिटी तो हम सभी की बताएंगे क्या प्रोबेबिलिटी है देखना हमने जो निकाली है वो किस किस की निकाली है U1 और U3 की तो U2 और U4 की क्या रहेगी जीरो जीरो तो U1 की सेवन बाई थर्टीन यू थ्री की सिक्स बाई थर्टीन सेवन बाई थर्टीन जीरो six full stop its strategies एम वन कोमा एम टू कोमा एम थ्री एंड एम फोर विद प्रोबेबिलिटीज टू एम एम फोर की प्रोबेबिलिटीज एम टू और एम थ्री की हमने निकाली वन बाय थर्टीन टू बाय थर्टीन तो एम वन की जीरो एम टू की वन बाई थर्टीन बाई थर्टीन थर्टीन और ट्वेल्व बाई थर्टीन फुल स्टॉप वैल्यू ऑफ गेम हमने निकाल दिया वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू वन एक्सपेक्टेड गेन टू मैनेजमेंट इज्कल टू वन पॉइंट फोर फाइव और भी कुछ कहा था आगे क्वेश्चन में कुछ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ कहा था देखना It is shown below. You, being a part of a consulting firm, have to assist the management in selecting the best strategy. So, we mm have -hmm. strategy. With probability, what is the value of the game? We have How is it going to affect the company's cost? Company's cost will increase by one फोर फाइव फुल स्टॉप ठीक है ये आर्ली कॉस्ट थी ये कंपनीज पर आर आर्ली कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो पर आर हमने लिख दिया है देखिए ये क्वेश्चन हमारा बन गया आप आंसर चेक करें जरा एक बार आंसर में वैल्यू ऑफ गेम 1.45 ठीक है पी यू वन सेवन बाई थर्टीन यू थ्री सिक्स बाय थर्टीन एम टू वन बाय थर्टीन एम थ्री ट्वेल्व बाय थर्टीन ये क्वेश्चन भी देखिए हमने बना लिया है सिंपल है समझ आ रहा है कुछ भी टफ यहां पर नहीं चल रहा है बस अब आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है और अभी तो हमें और प्रैक्टिस करनी है एक क्लास अभी हम इस चैप्टर पर और रखेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास चलो आगे बढ़ते हैं चलिए आ जाते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर यह देखिए क्वेश्चन नंबर फोर पढ़िएगा सोल्व द गेम यूजिंग डोमिनेंस प्रिंसिपल क्वेश्चन में ही लिखा है डोमिनेंस प्रिंसिपल से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है जब क्वेश्चन में ही लिखा है तो मैं पहले डोमिनेंस प्रिंसिपल ही लगाऊंगा यानी इस मैट्रिक्स को टू बाई टू पर लेकर आएंगे चलो स्टार्ट करते हैं पहले तो लिखते हैं हम पहले मैट्रिक्स ही लिख लेते हैं क्या दे रखी है हमें गेम की पे ऑफ मैट्रिक्स हमें दे रखी फिफ्टीन सिक्स माइनस सेवन फिफ्टीन सिक्स माइनस सेवन टू फाइव फोर टू फाइव फोर थ्री सेवन जीरो थ्री सेवन जीरो डोमिनेंस प्रिंसिपल से यूज में क्वेश्चन करने के लिए कहा है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट the given game is played by player a that is maximizing player And player B that is minimizing player minimizing player. प्लेयर बी तो इसकी स्ट्रेटेजी को हम कह देंगे बी वन बी टू बी थ्री इधर प्लेयर ए ए वन ए टू ए थ्री फिफ्टीन सिक्स माइनस सेवन टू फाइव फोर थ्री सेवन जीरो क्वेश्चन में ही कहा गया है डोमिनेंस रूल लगाते हुए मैं फिर से दिखा देता हूं यूजिंग डोमिनेंस प्रिंसिपल डोमिनेंस प्रिंसिपल से सोल्व करना है तो पहले इसे रिड्यूस करके टू बाई टू पर लेकर आइए चेक करो जरा क्या रो वाइज देख लेते हैं पहले कोई रो के सभी एलिमेंट किसी दूसरी रो के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट से कम है क्या चेक कीजिए देखो जरा माइनस सेवन क्या फिफ्टीन से कम है हाँ क्या ये फोर टू से कम है नहीं मैं से नहीं कह सकता दूसरी तरह से देखते हैं यह माइनस सेवन क्या इस सिक्स से कम है हाँ क्या ये फोर इस फाइव से कम है हां क्या ये जीरो इस सेवन से कम है हां चलो लिख देते हैं इस बात को तो ऑल द एलिमेंट्स Of A three are less than the corresponding elements of A two comma hence a3 is dominated by a2 and ignored full stop the new matrix is आ जाएगी न्यूमेट्रिक्स बी वन बी टू बी थ्री किसे हटाना है ए थ्री को तो ए वन और ए टू को हमने ले लिया है फिफ्टीन सिक्स टू फाइव थ्री सेवन चेक करो जरा फिर से अब कॉलम वाइज चेक करते हैं क्या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से ज्यादा है क्या देखना ये फिफ्टीन इस टू से ज्यादा है हाँ ये सिक्स इस फाइव से ज्यादा है हाँ ये लोग लिख देते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B one are more than the corresponding elements corresponding elements of B two, comma hence B one is. dominated by b2 and ignored full stop the new matrix is new matrix क्या आ जाएगी हमने b one को ignore करना है तो b two बी थ्री ए वन ए टू टू फाइव थ्री सेवन अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं चलो पहले रो मिनिमम देख लेते हैं रो मिनिमम हालांकि ध्यान देना रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम हम स्टार्टिंग में ही चेक कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में कहा है डोमिनेंस प्रिंसिपल यूज करें तो मैंने पहले डोमिनेंस प्रिंसिपल यूज किया अब मैं उसे सॉल्व करने के लिए देख रहा हूं अदरवाइज हम स्टार्टिंग में ही चेक कर सकते थे तो हो सकता है हमारा सॉल्यूशन वहीं पर आ जाए और इस क्वेश्चन में शायद आ भी जाएगा देखो जरा रो मिनिमम इसमें मिनिमम है टू इसमें मिनिमम है फाइव तो ये फाइव क्या हो गया हमारा मैक्सिमिन मैक्सिमिन वैल्यू कॉलम मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम है फाइव इसमें मैक्सिमम है सेवन अब इसमें हमें देखना है मिनिमम फाइव और सेवन में मिनिमम क्या है ये फाइव है ये आ गया मिनिमैक्स वैल्यू चेक करो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू सेम है क्या हाँ और सैडल पॉइंट कहां पर आ गया ये देखो यहां पर ए फाइव है ए टू बी टू पर लिख देते हैं मैक्सिमिन वैल्यू इज इक्वल टू Minimax value is equal to five full stop S exists at A two B two Clear Haji Yellow. ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ए इज इक्वल टू ए टू फॉर बी इज इक्वल टू बी टू देख रहे हैं आप यहां पर क्यों प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं होती जब हम ऑप्टिमल बता रहे हैं तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ए टू ही है इसमें प्रोबेबिलिटी के चांसेस की बात कहां से आएगी हंड्रेड परसेंट हम यही कह रहे हैं और वैल्यू ऑफ गेम क्या आ गया वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू फाइव जो मैक्सिम मिनिमैक्स वैल्यू आई थी बन गया है क्वेश्चन आंसर चेक कीजिए आप ये देखिए वैल्यू ऑफ गेम फाइव चलो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया है देखिए होमवर्क में मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं उसका रीजन है आप ट्राई करना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन तो आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन मैं आज होमवर्क में इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आज का होमवर्क आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जो भी हमने डिस्कस किए हैं रिवाइज करने हैं जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं उन क्वेश्चन को बिना देखे बना लीजिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है तो आज की क्लास में हम रखेंगे यहीं तक इस चैप्टर गेम थ्योरी पर मैं एक क्लास अभी और रखूंगा नेक्स्ट वाली तो आज रखते हैं यहीं तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच